Assalamu alaikum viewers, my name is Danish and you are watching Info with Danish my YouTube channel where we believe learn and grow, seekho or grow. Nazreen, aaj hum discuss karenge Wazir-e-Azam Pakistan ka flagship program Zarai Emergency ke tehat jo hamare kisanon ko mukhtalif scheme mein subsidies di ja rahi hai usme se ek government of Pakistan ne subsidy scheme introduce karwai hai. Introduce to nahi karwai, khair ye pehle bhi chal rahi thi लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट है 25 अगस्त 2021 इसकी दरख्वास्तें जमा करवाने की लास्ट डेट है। इस स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल काश्तकार हैं उनका एक क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया हुआ है जो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम है क्या? अच्छा, इस स्कीम के तहत आपको लेज़र लैंड लेवलर मिलेंगे, उस पर जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज दी जाएगी 2,50,000 रुपए की, उस पर आपको सब्सिडीज मिलेगी। यानी कि एक यूनिट आप परचेज करते हैं लेज़र लैंड लेवलर का, उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट उस पर जो आपको सब्सिडीज दी रही है एक यूनिट पे 2,50,000 रुपए, यानी कि 2.5 लाख की सब्सिडीज मिल रही है इस स्कीम के तहत। मिसाल के तौर पे आपका एक यूनिट जो लेज़र लेवलर का एक यूनिट आपको मिल रहा है, फर्ज करिए वो 6 लाख का आपको पड़ रहा है, तो 2.5 लाख की गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज देगी और नेट वो आप 3.5 लाख उसका पे करेंगे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, यानी कौन बंदा ये अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी शर्त ये है कि जिसके पास अपना ट्रैक्टर है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, एक चीज। दूसरा, वो बंदा जिसके नाम अपनी ज़मीन है या वो ठेके पर लेके काश्त कर रहा है, या ज़रिए ग्रेजुएट जिनके पास 12 एकड़ है तो वो भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो भी एलिजिबल हैं ये सब्सिडीज़ हासिल करने का। फिर तीसरा इसमें है कि वो बंदा जो इस स्कीम में अप्लाई कर रहा है और वो एक अंडरटेकिंग देगा कि भाई अगर मेरा लेज़र लेवलर निकल आता है या मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ, मैं इस सब्सिडाइज स्कीम को अवेल करता हूँ, तो वो एक अंडरटेकिंग देगा कि मैं सालाना 300 एकड़ की लेवलिंग करूँगी, यानी 300 एकड़ की मैं ज़मीन की हमवारी करूँगा। तो ये बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा था ज़रिए एमरजेंसी, उसी के तहत ये सब्सिडीज़ दी जा रही है। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं।